नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगं परशुभ्रगवरां भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभवभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार मित्रों, न्यूज इंडिया डीटी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि हरतालिका तीज व्रत इस वर्ष कब मनाया जाएगा। 30 अगस्त 2022 अर्थात भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जब हस्त नक्षत्र हो उस दिन यह व्रत कुंवारी कन्याएं और हमारी सौभाग्यवती माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। सौभाग्य की रक्षा हेतु, सौभाग्य की लंबी आयु के की कामना से एवं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं। हमारे लिंग पुराण के अनुसार यह व्रत बताया गया, उसके अनुसार एक पौराणिक कथा आती है। एक बार की बात है कि कैलाश शिखर पर बैठे भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अत्यंत गोपनीय और विशेष फलदायक व्रत मुझे बताइए। शंकर भगवान बोले, हे देवी, गोपनीय तथा विशेष फलदायक व्रत तुम्हें मैं बतलाता हूं। हे देवी, मन को एकाग्र करके इस व्रत को आपको श्रवण करना है। कहा, हे देवी, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त होने पर इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने इस व्रत को पहले भी किया था। एक बार की बात बताएं, हे देवी, पर्वतों के पिता राजा हिमवान के यहां गंधर्व सिद्ध गुहियक आदि का निवास है। वहीं पर तुमने अपने बाल्यकाल में कठिन तपस्या की। तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान को बड़ी चिंता हुई कि मेरी कन्या इतना कठिन तपस्या करती है कि इस कन्या को किसे प्रदान करूं, ये विवाह के योग्य हो गई है। उसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे, नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया। हिमवान जी ने पूछा, भगवान, आप हमारे इस हिमालय में और बिना सूचना दिए आप पहुंचे, क्या कारण है? नारद जी ने कहा, आपकी पुत्री जो पार्वती हैं, वो विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप भगवान विष्णु जी से अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करा दीजिए, वो उनके योग्य है। हिमवान बड़े प्रसन्न हुए और हिमवान ने अपनी पुत्री को विष्णु जी को देना नारद जी को स्वीकार किया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। हिमवान ने तथास्तु कहने पर नारद अंतर्धान हो गए। तब हिमवान के कथन को सुनकर गौरी बड़ी रुदन करने लगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव को चाहती थी और वो अपनी सखी के साथ किसी निर्जन घने वन में चली गई। हिमवान दुखी होकर सर्वत्र उसे ढूंढने लगे। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने उस घने वन में एक पर्वत मिला, उस पर्वत में आप घोर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र के दिन आपने बालू का शिवलिंग बनाया और आपने मेरी पूजा प्रारंभ की और रात्रि जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन विचलित हो गया। तुमने कठोर तपस्या की थी, तब मैंने आपको दर्शन दिया। तुमने वर मांगा कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा। प्रातः काल तुमने विसर्जन किया, तभी हिमवान ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। उसने पूछने पर पूर्व जन्म के वृत्तांत को उसने बतलाकर कहा कि मैंने पूर्व जन्म में आपने मेरी उपासना की थी। पूजा की विधि बतलाते हुए शंकर भगवान बोले, हे देवी, जो स्त्री इस व्रत को करती हैं, वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करती हैं। हरतालिका व्रत कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
अतः इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, पूर्ण व्रती होकर श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से पूजन करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति का फल ही श्रद्धा पर है। भगवान का पूजन कैसे करते हैं? भगवान का विग्रह रूप बनाकर, शिवलिंग मिट्टी या बालू का शिवलिंग बनाकर पार्वती जी के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। मनोकामना की पूर्ति के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, कुमारी कन्या अपने अच्छे पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत को रखती हैं। इसलिए श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से भगवान शिव का पूजन करें। जो भी मंत्र आप लोगों को याद है उस मंत्र को भगवान के समक्ष बोलना है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयो पभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दवखिलं संभो तवाराधनम्। इस प्रकार भगवान की आराधना करें। फिर अन्नम सुवर्ण पात्रस्थम सवस्त्र फल दक्षिणा वायनम गौरी विप्राय ददामि तव प्रीतये सौभाग्यारोग्य कामाय सर्व संपत् समृद्धये गौरी गिरीश तुष्ट्यर्थम वायनम च ददाम्यहम्। श्री उमा महेश्वर की मूर्ति स्थापित करके उनका यथाविधि से पूजन करें। तिल घी आदि से आहुति देकर दूसरे दिन अष्टव युग्म या षोडशमो युग्म, अष्ट का मतलब आठ जोड़ा या सोलह जोड़ा, ऐसे जोड़ों को भोजन कराना चाहिए। सोलह सौभाग्य द्रव्य पिटारी, सुहाग के पिटारी दान देना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं भोजन करके भगवान शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। इसी व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय जय श्री राधे।